देखिए ये हमारे यहाँ पे एक कैंडी शॉप है जो बहुत ही अच्छी है एकदम। आज हमारा शुरुआत हो रही है नाश्ते के साथ। आज हम लोग खा रहे हैं नाश्ते में दाल पकवान, मम्मी खा रही है इसको क्या बोलते हैं पपैया, पापा खा रहे हैं दाल पकवान, और आज हम लोग गए थे एडमिशन कराने मेरा। तो पापा बताओ क्या क्या हुआ एडमिशन पे गए, वहाँ स्पोर्ट्स डे चल रहा है और वो लोगों ने बोला है कि 12:30 बजे बात आओ या देखेंगे 12:30 बजे देखेंगे, नहीं तो मंडे को जाके जो भी होगा एडमिशन का फाइनल कर। मेरा एडमिशन हम लोग करा रहे हैं राजेंद्र मार्ग में भिलवाड़ा। गुड मॉर्निंग ये दोस्तों, प्यारे बहन भाइयों, आरिफ सोकर उठ चुका है, ये आ गई हमारी गर्मा गर्म चाय, साथ में हमारे बिस्किट्स आ गए। ये वाले बिस्किट आप लोग भी ट्राई कीजिए, ये डीमार्ट में मिलते हैं, बड़ा पैक मिलता है फिर उसके अंदर ये गोल्डन छोटे पैक निकलते हैं। हम लोग इसके अलग अलग फ्लेवर ट्राई करते रहते हैं, आप लोग भी ट्राई कीजिए। वैसे ये बिस्किट नहीं है, कुकीज़ है, देखिए इसके हम लोग नट्स वाले भी लाए थे, इस बार वो थे नहीं तो फिर ये वाले लेके आ गए। और ये जी हमारी प्यारी बेटी आए, क्योंकि संडे का दिन है तो नाश्ता तो सेम ही करती है वो, लेकिन अभी हम लोग 9:45 या 10 बज रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगी आप मैडम? नहीं, कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। बिग बॉस लगाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि रात को हम लोग जल्दी सो गए थे तो अभी देखेंगे। ये जैद है जो सो रहा है, जो ब्लॉग में नहीं आना है। और ये रही मेरी चाय, बिस्किट्स वगैरह सब। आप लोग भी आइए हमारे साथ, चाय नाश्ता कीजिए। आप लोग अपने सुबह कैसे इंजॉय करते हैं हमें बताइए। हम लोग तो नाश्ता करके कभी कभी आए तो स्कूल जाती है तो आप को तैयार होते हुए करते हुए भेजते हुए ऐसा रहता है, वरना मैं और आरिफ तो बहुत शांति से नाश्ता करना पसंद करते हैं। ये वाला भी बोला था ना तूने? हाँ चल बोल। हैप्पी फ्रेंडशिप डे दोस्तों, आप लोगों को आज फ्रेंडशिप की मुबारक। हाँ ये सब स्कूल में करते थे हम लोग, बैंड खरीदते थे और आपस में एक दूसरे को पिनाते थे। अब तो बस हो गया, अब दोस्ती यारियाँ स्कूल में ही छूट चुकी हैं, आगे हम लोगों ने कंटिन्यू नहीं किया। आरिफ का तो नहीं पता, मैंने तो नहीं किया। अच्छा तो दिख रहा है, क्या नाटक कर रहे हैं। ये रहा जैद, जैद लेटा है। और जैद कुछ बोलना चाहेगा फ्रेंडशिप डे के बारे में? जैद अपने व्यूवर्स को बोल दे हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और ये रही आलू जो कि तैयार हुई है, वो जा रही है। कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है बता? अभी हम लोगों ने थोड़ा डिसाइड किया है कि हम लोग है ना संडे के दिन कभी कभी कोई कोई संडे को बाहर जाएंगे डिनर करने के लिए, सॉरी लंच करने के लिए। गलत बोल दिया था मैंने। तो अभी उसी की तैयारियां हो रही है, आयत सुबह से ही तैयार हो रही है, आयत को टाइम लगता है तैयार होने में। आयत ने जो स्टाइल की टी शर्ट पहनी है साइड में से ऐसे वाली, वो स्टाइल का मैं कुर्ता पहनने वाली हूँ और मैं पहनूंगी तब आपको दिखाऊंगी। आयत थोड़ी बहुत रेडी हो चुकी है, अब बस उसको जीन्स पहनना है और हम चले जाएंगे। आरिफ को भी बस जीन्स पहनना है, हम चले जाएंगे। जैद को भी बस जीन्स पहनना है, हम लोग चले जाएंगे। मुझे भी बस जीन्स पहनना है और हम लोग चले जाएंगे। आपको जीन्स नहीं पहनना है, मम्मी ने अभी मैक्सी पहन रखी है। पहनना है ना, लेकिन आपको कुर्ता भी तो पहनना पड़ेगा ना फिर। मैं रेडी हो गई हूँ, आप लोग देखिए मेरा कुर्ता थोड़े अलग स्टाइल का है, मैंने उसको जीन्स के साथ में कैरी किया है। अच्छा है ना, कुछ डिफरेंट है एकदम। आलू भी अब एकदम रेडी हो चुकी है, ऐसा हम सोच के चल रहे हैं। और आपका था भी रेडी, अभी पेपर लगेगा और टाइम लगेगा अभी, पर मैं हो चुकी हूँ रेडी। अभी हम लोग जाएंगे और वहाँ पर आपसे मिलेंगे। दोस्तों हम लोग रिक्शे में बैठ गए हैं, अभी थोड़ी देर में पहुँच गई, आपको बताता हूँ क्या कर रहे हैं। देखिए दोस्तों सब लोग खुश है एकदम, सब लोग हैप्पी हैप्पी है एकदम, है ना? हैप्पी होना, खुश होना। आलू खुश है बाबू? स्पेशली हम लोग सिर्फ आयत के लिए जा रहे हैं, वरना जैद को भी इंटरेस्ट नहीं है बाहर घूमने में, मुझे और आरिफ को भी इतना नहीं, लेकिन आयत के लिए जा रहे हैं। अच्छा बहुत ज़्यादा हिल रहा है, इसका अच्छा नहीं लगेगा, जान दो बाद में देखते हैं। चुपचाप बंद कर आयत को। तो हम लोग आ चुके हैं और बैठे हैं, हमारे खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये क्या राहुरी दिख रही है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, फिर आवाज़ नहीं आएगी ना। इसके बाद में हम लोग जाएंगे रिलायंस मॉल,
आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। और अभी आप लोगों को खाना भी खिलाती हूँ मैं, रुकिए, है ना, खाना तो खिलाना हमारा फेवरेट काम है। अभी तेरे को आने का है इसमें, अगर इस वीडियो पे 10 लाइक है तो मम्मी मेरे को 10 लाइक दे लाएगी। 10 लाइक तो ऐसे बोल रहे जैसे 10 लाख लाइक की बात कर रहे हैं। वो लोग देख रहे भी नहीं अपना चैनल, देख ले वो लोग, वही बहुत बड़ा एहसान है उनकी तरफ से। कुछ बोलना चाहेंगे आप? चिकन चिल्ली आ चुका है, अब फ्राइड राइस भी आ जाएगा। हमारी चिकन चिल्ली आ चुकी है, अभी हम लोग आपको रिव्यू करके बताएंगे। टेस्टी है सर, रिव्यू कर रहा है, देख चल 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 चल। कैसा आ चुका है? पापा खा रहे, पापा को तो अच्छा लग गया। मम्मी आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। तो अब हम लोगों ने बहुत सारा खाना खा लिया है, अब हम लोग जाएंगे मॉल। अब नज़दीक ही है, यहाँ से मॉल बस दो तीन मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, जाएंगे और आपको मिलेंगे। इसी से रेगिस्तान में हम लोग पिछले दो तीन सालों से चल रहे, किधर क्या ये जो रेगिस्तान है, दो तीन सालों से इधर चल रहे। मेरे बाल भी देखो कितने बड़े हो गए, मैं गंजे आया था इधर, बाल बहुत उग गए। 30 रुपये में इडली दे रहे हैं, 30 रुपये में इडली डोसा। मम्मी हैरान, क्योंकि यहाँ पे इडली डोसा बहुत महंगा मिलता है, मुंबई होता तो सस्ता होता। राजस्थान में इडली डोसा महंगा है, पर अपना वो दाल बाटी बहुत सस्ता है। यहाँ की दाल बाटी अच्छी होती है, बहुत टेस्टी होती है। यहाँ की दाल बाटी की एक बात है, वहाँ पे डोसा मिल रहा है, डोसा बहुत गरीब दिख रहा हूँ। इसलिए एक बात, करली बाल वालों यहाँ के घर के बाहर मत निकलो, बाल बिगड़ेंगे। करली हेयर वालों को कहीं जाना हो ना करली हेयर का, तो एक दिन पहले ही हेयर वॉश कर लेना चाहिए। आप लोग अभी मेरे बाल तो देखे भी नहीं है, मैंने गांव में आके अपने बालों को बहुत केयर करना भी बंद कर दिया, दूसरा खुले छोड़ना छोड़ दिया है, वरना बहुत ब्यूटीफुल है मेरे बाल, अभी भी अच्छे ही है। पापा ने छोड़ दिया हमारा परिवार, पापा अपना अलग ही चल रहे, पापा अपना अलग नया परिवार बना रहे हैं उधर। अभी बर्गर शॉप भी आने वाला। देखिए ये हमारे यहाँ पे एक कैंडी शॉप है जो बहुत ही अच्छी है, एकदम ब्यूटीफुल भी है, बचपन में बहुत अच्छी। हमारे यहाँ पे एक दुकान थी पवई में, मुंबई में बिपिन की दुकान थी, ये एकदम उसकी तरह ही लग रही है। ये एकदम बचपन की यादों वाली कैंडीज है। ब्यूटीफुल लग रहा है। जिस किसी को भी अपने बचपन की याद आई है अगर हमारा ब्लॉग देख के, तो वो हमें कमेंट करें। तो हो गया है हमारा मॉल में शॉपिंग करके, आरिफ ने सामान डाल दिया है, आया तो आरिफ आ रहे हैं आगे से। अब जा रहे हैं ये लोग कहाँ? आइसक्रीम खाने। घर जाएगा कोई आइसक्रीम? क्यों? मैं नहीं खा रहा, मैं किसी को खाने नहीं दे रहा। आज तो खाएगी भाई। तो आ गई आइसक्रीम। जैद आया, जैद दिखा, जैद ने अपनी टी शर्ट से मैचिंग लिया है, और आयत ने चॉकलेट फ्लेवर लिया है, मैंने भी चॉकलेट लिया है, और आरिफ ने भी चॉकलेट फ्लेवर लिया है। ये देखिए, ये फाउंटेन में से हमारे लिए डाली गई थी इसके अंदर चॉकलेट, और भी बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। आप लोगों का फेवरेट कौन सा फ्लेवर है हमें ज़रूर बताएं। आ गया सर, 3,500 रुपये खर्चा करके खुश है आप? कैसी खुशी मिल रही है इतना पैसा खर्चा करके? आइसक्रीम पार्टी नीचे देख, गाइस आइसक्रीम पार्टी पापा की तरफ से थी। कुछ भी बोल रहा है नहीं, बहुत अच्छा था खाना पीना सब, अच्छा था शॉपिंग वॉपिंग के लिए बहुत अच्छा था। अभी आपको हमारा सबसे पहले गुड लाइफ, सबसे पहली बात कि हम लोग शॉपिंग करने के लिए नहीं गए थे, पर क्योंकि रिलायंस मॉल में चले गए आइसक्रीम खाने के लिए, तो हम लोग ने थोड़ी चीजें ले ली। ये बहुत घटिया है, इसलिए साइड में रखते हैं। बहुत घटिया नहीं भाई, बहुत महंगा है वो। और दो भुट्टे बहुत अच्छे मिल रहे थे यहाँ बाहर। तू भुट्टों के बाल गिरा देगा इधर पे। हाँ, इसलिए भुट्टो, हाँ इसलिए ऊपर अभी भुट्टो को अभी भी प्रेस में ही घुसा है। अरे तू साइड में, ये रहे हमारे पेरू। पेरू नहीं है वो है नाशपाती। और ये हमारे मौसम्बी, ये मौसम्बी मैंने कल देखे थे, राजा भी है। और दो क्रोसॉन चॉकलेट वाले आयत के, ये मेरा जैम वाला क्रोसॉन, बस बिल है।
तो आप लोगों को हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा बताइए, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाना। और हम लोग कल मिलते हैं। मैं भी दिख रही हूँ। कैसे? मिरर में। ओ, हाँ। मिरर में। पापा भी थे।